हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ बुक मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। अगर ये बुक अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लिंक नीचे है, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। तो पहले जो है आप बुक को पूरा अच्छे से देख लीजिए कि आपके लिए बुक अच्छा होगा या नहीं होगा, उसके बाद जो है आप नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके जो है आप परचेस कर सकते हैं। और काफ़ी सस्ता अमाउंट है, सिर्फ 9 रुपया या 29 रुपये का ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं जो है 3 बुक का यहाँ पे रिव्यू देने वाला हूँ, ट्रैक्सन का, मेजरमेंट का और एक पावर सिस्टम का होगा। तो पहले जो है ट्रैक्सन का ये बुक है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें जो है आपके काफ़ी ज़्यादा थ्योरी अच्छा दिया गया है। तो अगर आप जो है अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको ट्रैक्सन के लिए कोई अदर बुक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आप लोग जो है इस बुक का पूरा डिटेल देखते रहिए इस वीडियो में पूरा, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कंटेंट है, तो आप कंटेंट जो है वीडियो को पास करके अच्छे से देख सकते हैं। हर एक हेडिंग पे यहाँ पे जो है पूरा डिस्कस किया गया है, आपके ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। थायरिस्टर कंट्रोल, डीसी जैसे रेलवे में कंट्रोल किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सारे चीज़ें जो है आपको इस बुक में मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है इस कंटेंट को बस देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जो है नीचे लिंक दिया गया है, और काफ़ी सस्ता अमाउंट है, 29 रुपीज़ सर सिर्फ आपको पे करके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहले आप बुक देख लीजिए, बुक में क्या क्या चीज़ें हैं कि आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जो है बुक का पूरा डिटेल दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कम से कम बुक का आइडिया हो जाएगा कि बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपके पे डिपेंड करता है। देखिए एकदम अच्छे से हम नोट बना सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, और कहाँ कहाँ पर जो है कितना DC यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलवे का, कहाँ कहाँ पर नहीं है, वो सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, DC 1500 वोल्ट है तो कितने के लिए यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है, कितना परसेंट रेशियो है, तो ये देख लीजिएगा पूरा, यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड वोल्टेज दिया गया है, किसके लिए कितना, 15 kV है तो 16 से ही 2/3 हर्ट यूज़ करते हैं 1 AC यानी 1000 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो देखिए ये बुक जो है जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है डायरेक्ट यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके उठ के आते हैं। अगर AC 25 kV यूज़ हो रहा है, 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ है, तो उस कंडीशन में 1500 वोल्ट होगा यानी 3000, तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है एक नोट्स बना सकते हैं अगर आप, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे सारा एडवांटेज भी दिया गया है डीजल का, देखिए यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल जाएगा, डिसएडवांटेज भी यहीं पे मिलेगा, और प्लस क्या क्या यहाँ से कुछ पॉइंट है उसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो बुक है काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा है, और इसमें जो है आपको कोई भी मतलब कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो आपको ना मिले। ये दूसरा चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो है मतलब देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जो है आप कंटेंट देखते रहिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो फिर ठीक है, ये देखते रहिए पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है लंबा जाए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन फार्मूले पे सिंपल क्वेश्चन आता है आपका, तो यहाँ पे फार्मूला और वैल्यू सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका,
तो अभी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। यहाँ पे देखिए पूरा 16 से 2/3 हर्ट फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है, पूरा आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा थर्मल का, कि यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है थर्मल पावर का है, और सबकी कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाएगा, और कितना परसेंटेज शेयरिंग है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पीसीएल यूसीएल के एग्ज़ाम में। बाकी यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे जो है आपका कौन सा प्लांट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिल जाएगा अगर आप लोग जो है इसको देखेंगे। और क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उठ के आते हैं आपके, कुछ ऐसे पॉइंट है। तो ये ट्रैक्शन का पूरा रिव्यू है, ट्रैक्शन बुक का, अगर आपको अच्छा लगता है तो देख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं, टोटल आपका जो है यहाँ पे 400 के आसपास पेज होगा, 400-500, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुक है। तो अगर मैं इसको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो है पूरा आपका जितने भी पैंटोग्राफ है उससे काफ़ी क्वेश्चन, पैंटोग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका फिगर उगर देख के भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स जो आपको मिल जाएगा, कितने कितने पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है, कितना यहाँ पे फोर्स होता है, सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था ट्रैक्शन का, बाकी अब हम लोग मेजरमेंट का देख लेते हैं। तो बस एक यही था, बाकी बहुत ज़्यादा लंबी बुक है। तो ये मेजरमेंट का बुक है, आर के राजपूत एसचंद की बुक है। तो मेजरमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है, सारा पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ एक्यूरेसी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये सारा डिटेल्स आपको न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत दिया गया है, और बाकी जितने टाइप के एरर होते हैं सारा चीज़ मिलेगा। बाकी जो है आप देखते रहिए यहाँ पर, और भी जो है अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पे, सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। कोई भी चीज़ जो आपको यहाँ पे मतलब बाहर से बाहर नहीं मिलेगा, सारा पॉइंट्स जो है अगर ट्रैक्शन का मतलब मेजरमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। और देखिए डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल सारा चीज़ दिया गया है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन दिया गया है छोटा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे इंडिकेटिंग एंड डिस्प्ले डिवाइस है, कुछ आपका डिस्प्ले इंडिकेटिंग है, तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। तो हर एक के बारे में अच्छे से बताया गया है, और सब पे थोड़ा सा बहुत न्यूमेरिकल भी दिया गया है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हर मतलब किससे किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ मिल जाएगा आपका, मेजरमेंट से भी, मेजरमेंट से भी आपको जो है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको यहाँ पे ना मिले, सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्प्ले का पूरा यहाँ पे डिटेल्स सारा चीज़ दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए भी कहीं नहीं जाना है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कलर कोडिंग जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये यहाँ से सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। पीसीएल में आपका एक इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो सारा क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलने वाला है। तो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो और एलसीडी देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो सारा चीज़ यहाँ पे अच्छे से बताया गया है एलसीडी के बारे में, और बाकी अदर डिस्प्ले डिवाइसेज हैं जो आपकी आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आप लोग देखते रहिए, बाकी सारा यहाँ पे काफ़ी अच्छी बुक है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जो है आप नोट्स बना सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छी बुक है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एल वी
डी के लिक्विड वाइपर डिस्प्ले के बारे में भी क्वेश्चन आपका जो है आने वाले टाइम्स में पूछा जा सकता है। कंपटीशन का लेवल बढ़ ही रहा है आज के टाइम में, तो यहाँ पे सारा पॉइंट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको कहीं मतलब इसमें ना मिले। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसका भी रिव्यू आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे एमीटर का दिया गया है, तो एमीटर में जितने टाइप के एमीटर होते हैं सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन वोशन जितना भी होता है सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एमीटर के जितने भी पॉइंट है सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी गई हैं। तो देखिए काफ़ी ये भी ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी दिया गया है, कोई आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको इसमें न मिले। तो ये भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो और भी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। देखिए वोल्टमीटर एंड मल्टीप्लायर आपको मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा। और क्वेश्चन के लिए आपको भटकना नहीं है, किस किस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में सेम उस टाइप के क्वेश्चन का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो अगर इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। तो देखिए सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा मैं और फास्ट कर रहा हूँ। वोल्टमीटर के बारे में देखिए यहाँ पे सारा चीज़ वोल्टमीटर दिया, सॉलिड स्टेट वोल्टमीटर, डिफरेंशियल वोल्टमीटर के बारे में दिया गया है सारा चीज़ यहाँ पे। तो एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, जितने टाइप के एमीटर होते हैं जितने टाइप वोल्टमीटर होते हैं अलग अलग उनकी कैटेगरी है, तो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर कोई भी किसी टाइप का जो है घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ये भी मतलब कंटेंट इसमें भी है, आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने बुक का रिव्यू दे ही दिया है, बाकी देख लीजिए और भी कुछ पॉइंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी दिखा दिया जाए आपको। क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है मल्टीपल चॉइस दिया गया है, उससे हेल्प आपको उतना नहीं मिलेगा, थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए। डिजिटल वोल्टमीटर दिया गया है, जो आपके प्रेजेंट टाइम में डिजिटल भी वोल्टमीटर आ गए हैं, तो उसका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ये आपका केल्विन डबल ब्रिज दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, फार्मूला भी आपका पूछा जा सकता है। देखिए सारा चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया है और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, केल्विन ब्रिज से किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल केल्विन डबल ब्रिज भी दिया गया है कि कैसे प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, काफ़ी ज़्यादा कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको इसमें ना मिले, सारा चीज़ ओवरऑल यहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। तो आई होप दोस्तों यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि मतलब बुक कैसा है या नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपकी मतलब जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसमें इतना कंटेंट दिया है कि आपको कहीं और मतलब किसी और बुक के लिए जो है कोई मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ इसमें एग्ज़ाम्पल के साथ दिया गया है। और हर एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर इन्होंने कराया हुआ है कि किस क्योंकि मेजरमेंट से न्यूमेरिकल जो है आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सारा यहाँ पे फार्मूला प्रूफ किया गया है, सारा चीज़ यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है और हर एक के बाद जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिया गया है, तो आपको ताकि दिक्कत ना हो यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ का न्यूमेरिकल दिया गया है। और जितने टाइप के ब्रिज हैं, कुछ तो ऐसे ब्रिज हैं जो आप नाम भी नहीं सुनेंगे, उसका भी क्वेश्चन आपको आता ही है देखने के लिए, कैरी फोस्टर ब्रिज है या फिर हैरविल्टर ब्रिज, तो ये आप देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले टाइम्स में। ऐसा नहीं है कि कुछ कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है तो आपके जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ऐड किए जाते हैं कंपटीशन में, 5-10 क्वेश्चन भी अगर ऐड हो गया तो कंपटीशन का फाइट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो भी अगर अच्छे स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि मतलब अगर मान लीजिए अगर आप मतलब स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ते हैं, लो बुक पढ़ते हैं जिसमें ब्रिज कुछ कम ही दिया होगा, 2-4 ब्रिज 5-6 ब्रिज दे दे, तो उससे अगर आपको आइडिया होगा, मान लीजिए अगर उससे बाहर आपको क्वेश्चन अगर दे देता है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे डिसएडवांटेज हो जाएंगे आपके छोटे मोटे बुक पढ़ने से। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिया है, अब मैं यहाँ पे दिखाने जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा होगा, 500-600 के आसपास इसका भी पेज है, तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा।
अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पावर सिस्टम के तरफ, पावर सिस्टम का भी हम लोग देख लेते हैं। तीन बुक हमने यहाँ पे आज डिस्कस करने रिव्यू देने वाले हैं, और ट्रैक्शन का आप लोग देख ही चुके हैं, ये था आपका मेजरमेंट का। अब अगला जो बुक है उसको देख लीजिए। तो ये है आपका पावर सिस्टम का बुक, और काफ़ी लोग जानते होंगे सी एल वाधवा का ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है पावर सिस्टम का। और पावर सिस्टम की और भी बुक मैं लेकर आऊँगा, मतलब अलग से सेपरेट जो है पावर प्लांट की बुक होंगी, प्लस स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की भी कुछ बुक होंगी। तो देखिए सी एल वाधवा है, आपको सिर्फ 129 रुपीज़ में मिल रहा है, मार्केट में जाएंगे तो आपको 600-700 से कम मिलने वाला नहीं है। तो इजीली आप इसको देख के जो है एक अच्छा नोट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है सी एल वाधवा, और यहाँ पे जो है इसका कंटेंट दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है पावर सिस्टम के मतलब सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको यहाँ पे न मिले। काफ़ी ज़्यादा डीपली में हर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो आप देख लीजिए सारा कंटेंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ पॉइंट इसके भी मैं दिखा देता हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ मतलब बुक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ताकि आपको मान लीजिए अच्छे से आइडिया हो, अगर बेनिफिट होता है तो लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को बस इसलिए मैं पूरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे बुक, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, आने वाले टाइम में आप ही को ज़्यादा फ़ायदा करेगा यहाँ पर, क्योंकि मतलब क्वेश्चन देखिए कंपटीशन का लेवल बढ़ ही रहा है, तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत होगा। छोटा मोटा आप वो टाइम चला गया कि मतलब जो पेपर बनता था, छोटे मोटे क्वेश्चन आपके आते थे रटे हुए क्वेश्चन, तो अब वो सब चला गया टाइम। अब ऐसे क्वेश्चन है चाहे आप कोई भी बुक पढ़िए, जब तक आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ते हैं थ्योरी का, तो आपको जो है मतलब उतना आइडिया नहीं लग पाएगा, लिमिटेशन बनेगा, 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ आपको ऐड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कंपटीशन इंक्रीज़ कर जाता है। 5 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक के ही होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट अगर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता है तो उसके लिए वो 5-10 क्वेश्चन आप इजीली कर सकता है, लेकिन जो लोग लिमिटेशन बुक यूज़ करते हैं मतलब ज़्यादा अच्छा बुक नहीं यूज़ करते हैं, तो वो लोग कैंडिडेट जो है 5 से 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे बंडल कंडक्टर की पूरा डिटेल दिया गया, क्या क्या मतलब क्यों यूज़ किया जाता है, तो सारा यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए सी एल वाधवा अच्छी बुक है पावर सिस्टम के लिए, सबसे बेस्ट है। काफ़ी लोग अस्पाक पढ़ते हैं, तो उतना बेस्ट नहीं है अस्पाक उतना अच्छी बुक नहीं है, अगर मैं बात करूँ सब के लिए तो काफ़ी कैंडिडेट अस्पाक ही यूज़ करते हैं, तो कोई अच्छा बुक नहीं है अस्पाक, उसको आप लोग हटा दीजिए। ये सब बुक पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा, और यहाँ पर भी जो है हर एक पॉइंट मिल जाएंगे जो आपको ज़रूरत है, और काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी उठ के आते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग जो है तीन ही बुक का रिव्यू करते हैं, बाकी और भी जो है कुछ बुक है स्पेशल बुक है, जैसे प्लांट व्लांट टाइप के हैं, बाकी और भी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बुक हो सकता है, मैं दिखाऊंगा कुछ टाइम बाद, तो आप लोग देख लीजिएगा। बस आपको यहाँ से तीन बुक का यहाँ पर मैं रिव्यू दे रहा था, ताकि आपको आइडिया लग सके कि मतलब बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्या है। तो देखिए काफ़ी कंटेंट इसमें भी दिया गया है, सी एल वाधवा अगर आपको जानते होंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी इसमें भी अच्छा खासा यहाँ पर कंटेंट दिया गया है, मतलब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि बुक कैसा है नहीं है, तो बाकी आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लगभग इतने से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि बुक कैसा है। अब पूरा यहाँ पे मैं बुक दिखाने बैठा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा, तो बस कुछ ही पॉइंट मैं आपको दिखा रहा था ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ मतलब कैसा है बुक नहीं है। तो देखिए बुक काफ़ी अच्छा है, अगर ये स्टैंडर्ड बुक है, अगर ये सब बुक अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाले टाइम में, और मतलब अगर एक बुक ही अगर आप फॉलो करेंगे लो का, तो वो आपके लिए दिक्कत करता ही जाएगा, क्वेश्चन मान लीजिए नए नए क्वेश्चन बन ही रहे हैं तो वो सब आपको दिक्कत करेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक यूज़ करेंगे तो आपके लिए आने वाले टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो है आपका कंपटीशन भी बढ़ ही रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी जो है आपको देख ही रहे हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं वहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा, बाकी यहीं तक हम लोग रोकते हैं वीडियो को, तो अगर आप लोग जो इंटरेस्ट हैं सारा लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट अगर अच्छा लगता है बुक को। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी और भी बुक का रिव्यू हम लोग करेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।